आप सभी का स्वागत है शेफ धीरज शो में। और आज मेरे साथ दादा बार्टेंडर हैं। दादा बार्टेंडर बहुत ही ज्यादा फेमस है हमारे यूट्यूब में, और दादा का आई थिंक ओरिजिनल नाम काफी कम ही लोगों को पता होगा। दादा का नाम आपका संजय घोष है, और मैं दादा को यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वो हमारे चैनल पे आए हैं और अपना एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे शेयर करेंगे। दादा वेलकम है हमारे चैनल पे, आपका थैंक बहुत बहुत यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच धीरज, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत गिने चुने चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते, तो आप उनमें से एक हो, तो ऑल द वेरी बेस्ट। नहीं दादा बहुत मतलब जस्ट एक इच्छा है कि कुछ ऐसा क्रिएट करके जाना है कि हमारे होटल वाले जो भी काम करने वाले हैं, मैं शेफ लोगों को कर रहा हूँ, आप अपने जो सर्विस एरिया के लिए कर रहे हैं, ठीक है। दादा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दादा बिल्कुल सबसे पहले आप अपना पूरा नाम, आप अपना बैकग्राउंड बता दीजिए, आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है, ताकि लोग थोड़ा सा मोटिवेट होंगे आपकी सारी चीजों को सुनने के बाद। एक्चुअली क्या है ना, स्टार्ट तो मैंने बहुत पहले किया था। अराउंड 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा इंडस्ट्री में, होटल में। ओके हालांकि एज ए बार्टेंडर मेरा एक्सपीरियंस है 12 ईयर्स, और मैं 4 ईयर्स से अभी कंटेंट 6 ईयर्स से मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। आई एम नो मोर ओके बार्टेंडर। तो ये ओके मेरा करियर का इनिशियल डेट था। पढ़ाई लिखाई उतना खास मैंने नहीं किया था। आफ्टर मैट्रिकुलेशन हाँ मुझे बिजनेस देखना पड़ा था। पापा का बिजनेस था, ओके हाँ मिठाई का बिजनेस, हम लोग का हाँ जो कोलकाता में मिठाई चलता है ना, तो हाँ हाँ वो जी बिजनेस देखना पड़ा था। तो फिर पढ़ाई लिखाई उतना नहीं कर पाए थे, ओके बट बाद में बिजनेस उतना खास नहीं चल रहा था, तो क्विट करना था, मतलब छोड़ के कुछ और करना हाँ था। तो इसलिए हाँ मैंने हाँ इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिया था। तो ओके ओके वही ऐसे ओके था, बट वहां पर जो हाँ मेन कैचेस है वो मैं आपको कहना चाहूंगा। देखिए सबका लाइफ ऐसा ही होता हाँ है, सिंपल साधारण से हाँ स्टार्ट होता है, बट जो ट्विस्ट है वो मैं बोलना चाहूंगा कि मेरा लाइफ में जब ट्विस्ट आया, तब जब मैं एक बंदे से मिला जो मुझे मेरा ओके काबिलियत जो है वो जो डिफरेंट लेवल का हाँ हो सकता है वो मुझे बताया, तब से मेरा हाँ सोचना या सोचने का तरीका अलग हुआ और मैं कोई अलग करने हाँ लगा और मुझे अलग सा रिकॉग्निशन मिला। सही। तो वही मतलब जैसे होता है ना, जौहरी होता है। अभी आपको कोई अगर हीरा दे देगा आप फेंक दोगे, आपको क्या पता हीरा है, बट अगर कोई जौहरी होगा उसको पहचान लेगा तो फिर वो उस चीज को फिर कुछ और ही कर डालेगा वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दादा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैसे YouTube पे आप इतने ज्यादा फेमस हो, क्या पर्पजली आप YouTube पे आए थे कि भाई मैं ये YouTube ही करना है, या गलती से हो गया? मेरे साथ तो बस ऐसे ही हो गया, बट आपका क्या केस था? अच्छा, मेरा केस था ऐसा कि मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था। मैं इनिशियली उतना अच्छा इंग्लिश बोल नहीं पाता था। हालांकि मैं देखा था कि बड़े बड़े हाँ होटल्स, हालांकि मैं बहुत बड़े बड़े होटल्स में काम किए, जैसे ओबरॉय ग्रैंड में कोलकाता में ओबरॉय ग्रुप्स हाँ में मैंने जी काम किए, फिर मैंने हाँ जी केनिलवर्थ में काम किए। तो वहां पर देखा था कि ये लोग ट्रेनिंग में बहुत हाँ खर्चा करते हैं, मतलब जब भी ओके हाँ टाइम होता है तो हम लोग को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है या ट्रेनिंग के लिए हाँ बैठाया जाता है, हाँ बट ट्रेनर हाँ जो आया करते थे वो सब इंग्लिश में ही बोलते थे, सब कुछ इंग्लिश में बोलते बात थे। है, और कोई भी सही बात है। होटल्स में हाँ अगर जाओगे, कोई भी होटल्स में, फाइव स्टार लग्जरी हो, हाँ रेस्टोरेंट हो, तो आप हाँ देखोगे हाँ 60-40 रेशियो है। 60% जो है वो इंग्लिश बोलना जानता नहीं है और 40% जानता नहीं है, जानते सही हैं, बात है। ठीक हाँ है। तो अब क्या होता हाँ है ना, जब कोई ट्रेनिंग कंपनी पैसा खर्चा करके करवाता है तो वो सिर्फ फोर्टी हाँ परसेंट को ही एड्रेस कर पाता है, 60% को एड्रेस नहीं कर पाता है। लोगों के डेफिनेटली दिमाग में भेजे हाँ में कुछ नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। सही बात है। तो हाँ। तब मैं बहुत मतलब तब मैं सोच रहा था कि मैं अगर कुछ ऐसा कुछ करूं जहां पर मैं हाँ हिंदी में अगर किसी को समझाऊं तो बेहतर समझ हाँ पाएगा, और मुझे मतलब हाँ तब सोच रहा था मैं इनिशियली 2015 में हाँ मैं ऐसा कुछ सोच रहा था, हाँ और तब मैं देख रहा हाँ था कि YouTube एक प्लेटफॉर्म हो सकता है क्योंकि तब जियो लॉन्च किया था नया नया और सबको फ्री में हाँ इंटरनेट मिल रहा था। तो मैं भी सोचा था कि चलो अगर YouTube में अगर वीडियोस बनाएंगे तो शायद कुछ हो हाँ सकता है। तो तब मैंने ये मैंने पर्पसली शुरू किया था, मैंने पर्पसली शुरू किया था। हाँ तब मेरा ऑडियंस था हाँ सिर्फ हाँ बार्टेंडर और होटल मैनेजमेंट स्कूल और होटल मैनेजमेंट से हाँ जुड़े हुए बंदे, बट बाद में मेरा हाँ जी ऑडियंस आम पब्लिक को मैंने एड्रेस हाँ करने लगा। हाँ क्योंकि अभी 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 कॉकटेल मॉकटेल्स की बात कर रहे हैं, जितने भी इस दुनिया में लोग रह रहे हैं उनको वो पीना ही है। मतलब कि घर में आप पी रहे हैं ना, अगर मैं रोज़ भी बना के पी रहा हूँ, नींबू पानी पी रहा हूँ, मैं दारू भी पी रहा हूँ, मैं कुछ भी पी रहा हूँ, तो सब कुछ है। तो आप मतलब ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि हर किसी को चाहिए, तो सिंपली वो उतना बड़ा मार्केट हो जाता है। दादा सेम मेरे साथ भी ऐसी था ना, जैसे
मुझे भी फेमस होना था, ठीक है ना। बट मुझे लगता था कि मैं इस शेफ के साथ काम कर लूंगा ना तो मैं फेमस हो जाऊंगा, ठीक है, या मैं इस शेफ के साथ काम कर लूंगा मैं फेमस हो जाऊंगा। बट मतलब कि इतने लगभग 12 सालों के बाद समझ आए कि नहीं, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, आपको खुद ही कुछ करना है। और खुद ही कुछ करने के लिए आपको ही अपना जो स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैंने भी सेम तभी ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। और अभी जैसे मेरा भी इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, अभी भी अभी मतलब काम मैंने इतनी जगह कर लिया बट उतना अच्छा नहीं था। और अभी अभी और जो मेरा फील्ड था कॉन्टिनेंटल कुजीन था। अब कॉन्टिनेंटल कुजीन के ऊपर मेरी कम से कम बोलेंगे 450 से ज्यादा वीडियोस है आपकी अब यूट्यूब के ऊपर, और वो उन लोगों के लिए है जो कि कॉन्टिनेंटल में काम करते हैं। क्योंकि इंडिया में कॉन्टिनेंटल को बोला जाता है कि भाई अगर आपको ज्यादा प्रमोशन चाहिए, जल्दी चाहिए, सैलरी बढ़ाने का, आप कॉन्टिनेंटल में काम करो। अब उसमें काम करने वाले लोग हैं जो कि इंडियंस है, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अगर उनको वो काम सीखना है तो कहाँ जाएंगे, ठीक है। जितना भी कंटेंट अवेलेबल है सारा इंग्लिश में अवेलेबल है। तो एक तरीके से वो कॉन्टिनेंटल वाला मैं सब कुछ हिंदी में दे रहा हूँ लोगों को, दे रहा हूँ अभी, मतलब वही चीजें चल रही है। दादा बहुत अच्छा लगा। बाकी दादा इसमें अभी जैसे मैं मेरे साथ तो कई सारे बैड एक्सपीरियंस हुए यूट्यूब के, आपको लोग गालियां दे देंगे यूट्यूब पे, आपको बहुत ज्यादा ट्रोल कर देंगे कि क्या बना रहा है, ठीक है, मतलब कुछ भी आप लगा लो। तो आपके साथ कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंस थे कुछ बताइए आप। बिल्कुल भर भर के है, मतलब अभी भी होता है सब गालियां देते हैं, गालियां देते हैं, मतलब जिसको जो आइडिया नहीं है वो देख के तो ऐसे सोचेगा ना। मतलब आप मान लो एक बंदा जो चलते हुए बंदे, वो उसको जिंदगी में कॉकटेल का कुछ भी समझ नहीं है, वो अगर देखता है कि धनिया पत्ता वत्ता डाल के मैं कॉकटेल बना रहा हूँ तो बंदा गाली तो देगा, क्योंकि उसको तो वो आइडिया है ही। तो उसकी समझ के साथ मेरा तो कभी भी ऐसा सोचना ही नहीं है। मतलब जिनको गाली देना है वो देगा, हमसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई तुमको जो समझ में आएगा तुम दोगे तो वो मैं ले लूंगा, बट मैं कभी उसको नेगेटिव नहीं लेता हूँ। कुछ बात है कि ये जो गालियां पढ़ते हैं ये भी सही है यार, आपको ना बहुत सही बना देता है। मतलब जितना गालियां पढ़ता है वीडियोस में, तो अगर आप नोटिस करोगे तो जो बंदे ज्यादा ऑब्सेस्ड रहता है, दिमाग खराब है, गालियां तो देता है, बट एक पॉइंट है कि कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हो तब जाके वो गालियां दे रहे हैं। तो उसको सुधारो, उसको सुधारो, उसको सुधारो, आगे जाके उसको वो भी मौका नहीं मिलेगा। तो मैं वो मैं अपना काम पे इम्प्लीमेंट करता चला गया, जो गालियां जहां पर ज्यादा पड़ रहा था उसे मैंने काम ज्यादा किया, ज्यादा फोकस दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता काम भी सुधार आया। मैं भी मतलब ये एक पॉजिटिव मैं बोलूंगा, आप पॉजिटिवली लोगे तो आप तरक्की। दादा आपका कितना वीडियो हो गया होगा यूट्यूब के ऊपर? मेरा अराउंड 700 हो रहा है, 700 के करीब। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और लगभग आपको 7 साल करीब आपको हो गए, 6 से 7 साल, 6 साल की करीब हो रहे हैं। हाँ दादा ये पूरा सेटअप आपने अभी आई थिंक पूरा क्रिएट करके रखा है, आपके जो बैकग्राउंड में मैं देख पा रहा हूँ। ये बैकग्राउंड रिसेंटली मैंने अपना ऑफिस बनाया, और मेरा ऑफिस का जो बाहर का एक हिस्सा है वहां पर मैंने रिसेप्शन की जगह जो है यहाँ पर मैंने एक बालकनी पर सेटअप करके रखा है, और मेरा 2-3 कमरा और है जो जहाँ पर मेरा ऑफिस है। बहुत अच्छा। मेरे कुछ क्लाइंट्स भी है वेस्ट बंगाल में, अगर आपसे कनेक्ट हो पाता, अगर मैं 1 या 1.5 महीना पहले तो मैं जरूर आपके पास विजिट करता। मिदनापुर में हम लोगों ने कैफे का स्टार्ट किया था। बाकी मालदा डिस्ट्रिक्ट में मेरे एक मेंटी हैं, मैं मतलब मेरे भी मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं जो कि हम लोग बिजनेस ओनर्स को हम लोग सेल करते एक तरीके से, हमारा वो बिजनेस ऑफर्स रहते हैं। तो हो सकता है, क्या पता मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगा तो मैं आपसे कोलकाता में जरूर मिलूंगा। आपके पूरा मेरी इच्छा है आपसे मिलने की दादा। ये दादा अगर कोई एक स्टूडेंट कैरियर स्टार्ट करना चाहता है बारटेंडरिंग में तो वो कैसे करे, कॉलेज जाए, आपसे सीखे या वीडियो से सीखे, एक सही तरीका क्या है? नहीं कोई भी देखो बारटेंडर एक ऐसा प्रोफेशन है, तुम अगर आप अगर किसी को भी पूछोगे तो सब ना एक्सीडेंटल बारटेंडर है। आप देखना कोई अच्छा। भी जब बड़ा होता है मतलब करियर बनाने के लिए कोई सोचता नहीं है कि मैं पर्टिकुलरली बारटेंडर ही बनूंगा। आप ध्यान करना आप देखना वो जितने भी बारटेंडर्स इंडिया में अवेलेबल है मोस्टली दे आर द एक्सीडेंटल बारटेंडर, वो लोग कभी डिसाइड नहीं किया था। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि देखो बारटेंडिंग एक प्रोफेशन है। इनिशियल डेज का अगर बात करूं, जब आज से 1800 शताब्दी का अगर बात करूं, तब भी बारटेंडिंग को कोई भी पॉजिटिवली नहीं लिया था, उसको एज ए पार्ट टाइम जॉब में पकड़ा जाता था। बट स्लोली बारटेंडिंग से एक एक बंदे इतने इतने पैसे कमा रहे थे, तो उसको डेडिकेटेड एक जॉब सोर्स की तरफ से पकड़ा जाने लगा और स्लोली वो पॉपुलर भी होने लगे। आजकल दादा मैं
मैं रोकता हूँ आपको। मैंने मैं एक फॉरेन का कोई है, मैं नाम नहीं जानता, उनकी मैंने वीडियोस भी देखी हैं, और वो मतलब एक बार्टेंडर ही थे, अब उनके खुद के वाइन यार्ड से मतलब कि पूरी दारू बनाने की फैक्ट्री वैक्ट्री सब कुछ है, ठीक है। तो मैंने उनका कुकू एफएम में एक्चुअली में उनका स्टोरी पूरा सुना था। तो मतलब उधर भी यही था जैसे आप कर रहे हो, हमारे लिए तो फिर इंडियन इंडियन वाले आप हो गए, वही कि भाई अपनी पर्सनैलिटी को लेके जो आपको आता था, आप उससे कितने तरीके के बिजनेस कर पाएंगे। और बिजनेस करने का मतलब मेरा हमेशा यही मकसद रहता है या मतलब रहता है कि भाई आप किसी भी बंदे की वहां पे प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं और उससे उसको फायदा हो रहा है। तो वही बोल रहा था कि जो मतलब स्ट्रेटेजी जो है, कोई भी बार्टेंडर अगर सोचता है कि अपना करियर बनाएंगे, ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड बार्टेंडर इज द बैकबोन ऑफ होटल्स। आप होटल में जाओगे तो वो बैकबोन कहलाता है एंड दे आर द ओनली पर्सन दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रेवेन्यू फॉर द होटल्स। सो बार्टेंडर इज अ यू नो इट्स अ गुड प्रोफेशन। अगर आप सही ढंग से काम करते हो तो बहुत पैसा कमा सकते हो। इवन आप अब्रॉड भी जा सकते हो, वहां पर आप करियर बना सकते हो। आप सिर्फ बार्टेंडर नहीं, मैं बोलूंगा एक बार्टेंडर एक बेवरेज ट्रेनर बन सकता है, एक ड्रिंक कंसल्टेंट बन सकता है, एक मास्टर ब्लेंडर बन सकता है, एक डिस्टिलरी डिस्टिलर बन सकता है। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्टिकल्स, मतलब बार्टेंडिंग से शुरू होके देयर इज अ लॉट ऑफ वर्टिकल्स। आप उसी हिसाब से उसी दिशा में जा सकते हो। इवन बेफिन भी मैनेजर, जनरल मैनेजर भी आप बन सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम अ बार्टेंडर। तो वही बोल रहा हूँ कि करियर का बहुत अच्छा ग्रोथ है। एंड इवन मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि एवरी ईयर हम लोगों का जो होटल्स बढ़ रहे हैं उसका हिसाब अगर पकड़ू तो अगले 5 सालों में बार्टेंडर का भारी मात्रा में रिक्वायरमेंट होगा, और स्पेशली लेडीज बार्टेंडर्स। लेडीज बार्टेंडर अभी हर एक बार में लेडीज बार्टेंडर का एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर बहुत सारा स्कोप है, अगर स्पेशली फॉर द लेडीज, अगर कोई लेडीज सिंपल सा काम जानती है उन लोगों को तुरंत काम मिल जाएगा। इवन दे द सैलरी वुड बी स्टार्ट फ्रॉम 50,000 ऑनवर्ड्स। सो इट्स अ वेरी ओके, देयर इज अ वेरी गुड फ्यूचर। ठीक है दादा, चैलेंजेस क्या आते हैं इस फील्ड में? जैसे कि कोई कई सारे लोग होते हैं वो बार्टेंडर बनना चाहते हैं पर वो दारू नहीं पीना चाहते हैं, या मतलब उनको अल्कोहल से परहेज है, तो इस तरीके के चैलेंजेस हो या कुछ और चैलेंजेस जो इंटरनली आप लोगों को पता हो? अच्छा तो मैं आपको बता दूं कि बार्टेंडर्स होने मतलब आप अगर बीइंग ए बार्टेंडर आपको अल्कोहल पीना जरूरी नहीं है, ये एक बहुत मिथ है, एक गलत फहमिया है कि बार्टेंडर मतलब अल्कोहल पीना है। देखिए पीना और टेस्ट करना अलग बात है, हम लोग टेस्ट करते हैं, बट मैं भी पीता नहीं हूँ, मुझे भी कभी भी कोई भी बंदे ढूंढ के नहीं दिखा पाएगा कि मैं इंटॉक्सिकेटेड था कभी भी अपना लाइफ में। जिंदगी में कभी मैं इंटॉक्सिकेटेड नहीं हूँ, क्योंकि आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल बट आई टेस्ट अल्कोहल। अगर मैं अल्कोहल टेस्ट नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा और अगर कोई कि क्या है उसका कैरेक्टर कैसा है। बट हाँ अगर आप अल्कोहल टेस्ट करते करते ड्रिंक करने लगे तो ये खराब है। तो देखिए इनिशियली ये जरूरी नहीं है कि आपको बार्टेंडर होना है और ड्रिंक भी करना है, आप ना करते हुए भी बहुत अच्छा बार्टेंडर बन सकते हैं। मैं अभी 10-12 नाम बता सकता हूँ जो टॉप क्लास बार्टेंडर है बट दे डोंट ड्रिंक एट ऑल। तो वही बोल रहा हूँ बट हाँ टेस्ट करने के लिए जो पैलेट चाहिए वो आपको डेवलप कराना है। ओके ग्रेट दादा, ग्रेट। अभी दादा जैसे एक तो मैंने बोला कि भाई हम अल्कोहल नहीं पिए, ये तो इसके अलावा कुछ और चैलेंजेस अगर हो? चैलेंजेस मतलब जैसे कि इनिशियली जब आप बार्टेंडिंग के लिए कोई भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी खासी रैगिंग का सामना करना पड़ सकता है। और ये होता है मतलब, और कोई भी काम आपको तुरंत नहीं सिखाएगा, आप जब भी किसी के पास जाओगे काम सिखा दो तो बार्टेंडर काम सिखाता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हर कोई ना इनसिक्योर रहता है, वो सोचता है कि अगर मैं अपना काम सिखा दूंगा तो ये बंदा मेरा जगह ले लेगा, बट ये गलत है, यू नो ये सोचना ही गलत है। बट हाँ ये एक चैलेंजेस है एक न्यू कमर के लिए जो इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहता है बीइंग अ बार्टेंडर। और साथ साथ जैसे कि जो लाइफ है हम लोगों का वो बहुत यू नो डिस्टर्बिंग लाइफ है मैं बता सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों का कोई फेस्टिवल नहीं है, हम लोगों का मतलब बहुत डेडिकेट रहना पड़ता है, डेडिकेट रहना पड़ता है और बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है मतलब। तो ये सब डिफिकल्टीज है, ये चैलेंजेस है, अगर आप ये सब कर सकते हो तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है।
सेम दादा, जैसे आपने बोला ना कि आप लोगों को बारटेंडिंग में कोई सिखाते नहीं, सेम किचन में भी ऐसा होता है। किचन में जो शेफ लोग होते हैं वो भी कुछ नहीं सिखाते हैं, ठीक है। मतलब कि अभी होता ना, मतलब ये इतना बड़ा टैग लग गया कि भाई जो शेफ है वो आपको खाना बनाना नहीं सिखाएगा, वो आपको बताएगा नहीं। तो वही सारे मिथ तोड़ने के लिए हमने मैंने तो यूट्यूब पे इतनी भर भर के चीजें डाल दी ना, ऐसी ऐसी चीजें डाल दी है कि मतलब कि जो कि लोग सुन के भी हैरान रह जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग यही उस चीज को भी मतलब खत्म करना चाहते हैं। मतलब जैसे आप अपनी अपने वीडियोस के थ्रू बता रहे हो, तो हम लोग भी अपने वीडियोस के थ्रू यही सारे मिथ है उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं दादा। यहाँ पे दादा, बिल्कुल। यहाँ पे जैसे हिराकी की आप बताइए, जैसे हमको स्टूवर्ड्स वगैरह का तो पता है कि भाई ट्रेनी स्टूवर्ड हो गया, स्टूवर्ड हो गया, कैप्टन हो गया, सीनियर कैप्टन, जूनियर कैप्टन। तो क्या यहाँ बारटेंडरिंग में भी सेम पोजीशंस होती हैं? हाँ, यहाँ पर जूनियर बार्टेंडर, सीनियर बार्टेंडर, फिर ऐसा भी हाँ होता है। हाँ एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग उसको सेग्रीगेट करते हैं, बार्टेंडर, बारमैन, पहले ओके बारमैन, उसके बाद बार्टेंडर, ओके फिर मिक्सोलॉजिस्ट, फिर लिक्विड सेल। तो इस हिसाब से हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। जो हाँ मिक्सोलॉजिस्ट कहलाता है उसकी अलग स्किल है, फ्लेयर बार्टेंडर अलग होता है, जो बहुत अच्छा फ्लेयर करता है, बॉटल को घुमाते हैं। हाँ, ओके तो उसी का क्लासिफिकेशन है, बट वो उतना यू नो रॉकेट साइंस उसमें है नहीं। सिंपल थियोरी है, मतलब उसको मतलब सिंपल स्टेप्स है जिसको क्रॉस हाँ करने के बाद आप बनते जाओगे, बारमैन से बार्टेंडर, बार्टेंडर से मिक्सोलॉजिस्ट, मिक्सोलॉजिस्ट से लिक्विड ओके शेफ और फ्लेयर बार्टेंडर, हाँ ऐसे। ओके मेरे एक फ्रेंड हैं, वो एक कंपनी के लिक्विड शेफ हैं, अच्छी एक अच्छी बेवरेजेस की कंपनी है। दादा, इसमें मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ स्पेसिफिक स्कूल्स होते हैं, या आप अगर कोई सीखना चाहे, क्योंकि हमारी नजर में तो आप इस चीज के लिए बेस्ट हैं, या आप कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं आपके कोलकाता में, आप मुझे बता दीजिए। देखिए, मैं अपना बारटेंडिंग कोर्स कराता हूँ। एक्चुअली ये कोर्स मैं बोलूंगा कि ये कंप्लीट बारटेंडिंग कोर्स नहीं है। देखिए, मेरा टारगेट अच्छा ऑडियंस अलग है। मैं डॉक्टर, इंजीनियर, यू नो, इन सब लोगों ओके को टारगेट करता हूँ, क्योंकि इन लोग बहुत पैशनेट होते हैं। इन लोगों के पास घर में शायद अच्छा बाढ़ है, तो ये लोग हाँ जानना चाहते हैं थोड़ा बहुत मिक्सोलॉजी। तो मैं उन ओके लोगों हाँ को बारटेंडिंग सिखाता हूँ हाँ 10 डेज के लिए, 10 दिन के लिए, और वो भी ऐसे ही ओके लाइव होता है। और वो हम हाँ लोग कराते हैं आन अकेडमी थ्रू। आन अकेडमी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ओके हाँ, ओके तो हाँ आन अन अकेडमी अकेडमी थ्रू हम लोग कराते हैं, तो उसके लिए बहुत हाँ मिनिमम चार्जेस लेते हैं। और हम लोग का टारगेट है, बिल्कुल हम लोग स्टूडेंट को नहीं, उल्टा मैं रिकमेंड करूंगा, अगर स्टूडेंट को बारटेंडिंग सीखना है तो वो यू नो अच्छे हाँ बारटेंडिंग स्कूल में जाए, जहां पर 6 मंथ का कोर्स हो या बड़ा कोर्स हो। जो सही तरी हाँ हाँ, जो जब सही तरीका है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हाँ सिखाएगा। हम लोग यहाँ पर आपको हाँ एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगा जो यूजुअली हाँ हाउस होल्ड को चाहिए, जो घर में अपना मिक्सोलॉजी करते रहते हैं, उन हाँ लोगों को चाहिए। तो मेरा टारगेट ऑडियंस हाँ बिल्कुल अलग है। अगर ओके आपको नेक्स्ट लेवल सीखना है हाँ तो आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। ठीक है दादा। दादा अभी जैसे जैसे वाइन्स के बारे में अगर आप कुछ बता पाओ, कौन सी एक्सपेंसिव वाइन है, मुझे इतना आइडिया नहीं इस बारे में, थोड़ा सा आप वाइन के बारे में बता दीजिए, और कुछ ऐसी चीजें बता दीजिए जो कि हमारे फूड के साथ पेयरिंग हम लोग कर पाए। अच्छा, तो फिर एक बहुत सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अक्सर ये चीज को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, और वाइन तो स्पेशली बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, अगर देखा जाए तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये लोग बना देते हैं। आप अगर होटल में भी करने जाओगे तो आपको इतना कॉम्प्लिकेशन में डाल देगा कि सिंपल सा चीज आपको डिफिकल्ट लगने लगेंगे, क्योंकि इसका सही स्टडी बात है मटेरियल ही ऐसा होता है कि आपको कॉम्प्लिकेट कर देगा। तो मैं आपको दो हाँ तीन सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। देखिए, वाइन जो जी है ये फूड के साथ पिया जाता है, यूजुअली विस्की, राम, जीन, वोडका, बियर, इनको हम लोग अक्सर मेन कोर्स खाने से पहले खाते हैं, ये पीते हैं। ओके हाँ और हाँ वाइन जो है ये हम लोग फूड के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात आती है, फूड पेयरिंग। तो फूड पेयरिंग क्या है, मैं ओके आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आप एक रेड वाइन, अच्छा व्हाइट वाइन पी रहे। अब ठीक है व्हाइट वाइन में अगर एक छोटा सा आइडिया देता हूं, मान लीजिए आप चिकन रेशमी कबाब खा रहे हैं। तो जब आप चिकन रेशमी कबाब खाते हैं तो एक चिकन रेशमी कबाब जो कोटिंग है ये माउथ में हाँ कोटिंग कर देता है, और इसमें जो आपका जो हाँ पैलेट का जो कोरक है, जो जो टेस्ट बड्स हाँ है उसको मास्किंग कर हाँ देता है वो मिल्क। अब ठीक अगर है सर आप हाँ एक व्हाइट वाइन लेते हो जहां पर हाँ हाँ बहुत ज्यादा एसिडिटी है, तो वो क्या हाँ करेगा, हाँ जैसे ही आप उसको सिप करोगे तो अच्छा करके वो माउथ को वॉश कर देगा और आपको पैलेट हाँ को क्लियर कर देगा। तो फिर जब आप ओके एक हाँ बाइट लोगे, आपको सही बाइट का टेस्ट भी मिलेगा, एट द सेम टाइम
वाइन का भी टेस्ट मिलेगा। जब जब आप वाइन ओके पीते रहते हो रहोगे तो टेस्ट। तब तक वो अपना बेटर एसिडिटी के कारण वॉश करके निकल हाँ जाएगा। तो इसीलिए कहा ओके जाता हाँ है व्हाइट वाइन के साथ व्हाइट मीट, व्हाइट वाइन के मीट साथ व्हाइट ओके मीट, जैसे कि कोई भी व्हाइट ओके मीन वो ज्यादा मास्किंग का काम करता है, उसको क्लियर करने के लिए ओके व्हाइट वाइन को चुना जाता है। रेड वाइन के साथ रेड मीट, उसका एक बहुत बड़ा सिंपल लॉजिक है। रेड वाइन थोड़ा सा स्वीटर इन साइड होता है और ये वुडी ओके कैरेक्टर के साथ, थोड़ा स्मोकी कैरेक्टर के साथ आता है। तो जब भी आप रेड वाइन खाओगे, अगर आप तंदूरी चिकन के साथ खाओगे तंदूरी चिकन, तो उसमें स्पेशल स्मोक रहता है और रेड वाइन हाँ में एक वुडी कैरेक्टर रहता है, दो अच्छे कंप्लीमेंट करता है। तो इसीलिए ओके रेड वाइन के साथ रेड मीट को प्रेफर किया जाता है, या उन सब सॉसेस को प्रेफर किया जाता है जो एक के साथ और एक को कॉम्प्लीमेंट करे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है और उसी हिसाब से हम लोग वाइन को चुनते हैं और उसके साथ फूड को भी चुनते हैं। हाँ दादा, जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपने इतने मतलब कि उसको इतना उसकी अंदर गहराई में घुस के मुझे बताया ना, मतलब हमारे व्यूअर्स को बताया, इससे मतलब इससे एक आपका ना डेडिकेशन पता चलता है अपने फील्ड को लेके। रियली मैं बहुत ही मतलब कि अपने आप को हम्बल महसूस कर रहा हूँ, या कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ, और फिर नहीं इस नहीं वीडियो के माध्यम से इतने लोग कनेक्ट पड़ रहे हैं। सीरियसली दादा, रियली अभी हम लोग अभी इतने एक्सपर्ट्स लोगों से बातें करते हैं, तो कोई अपने फील्ड के बारे में ना इतना बिल्कुल अंदर तक घुस के ना मतलब कि बता, मतलब लोग मतलब कि नहीं करते हैं, मतलब लोगों को लगता है कि भाई कोई हमारा कोई पेड प्रोग्राम ले लो या उससे कर लो, बट आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। आपके कोई भी स्पेशल कॉकटेल या मॉकटेल आप बता दीजिए, कोई ऐसी रेसिपीज आपको बतानी है जो कि आपके चैनल पे अवेलेबल है। अच्छा, मेरा एक रेसिपी है जो बहुत फेमस हुआ है, वो मिलियंस में व्यूज आ रहा है, वो है हाँ रम एंड हजमोला, ओल्ड मोंग रम के साथ हजमोला। तो ओके एक्चुअली मेरा जो कंसेप्ट रहता है वो बहुत सिंपल है। जब भी मैं कोई कॉकटेल को बनाता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि मैं ज्यादा बार इक्विपमेंट यूज नहीं करता हूँ और बहुत सिंपल रखता हूँ कि घर में आप बना पाएंगे। तो मेरा वही कोशिश क्यों रहता है, क्योंकि देखिए आप अगर बहुत अच्छे बार्टेंडर हैं तो आपको एक बार काउंटर मिलता है, वहां पर बहुत सारा सामान रहता है। अब जब घर में पहुंच जाते हो, एक बार्टेंडर का बात कर रहा हूं, जब घर में पहुंच जाते हो, आपका मेहमान आता है, तब भी आप एक अच्छे ड्रिंक नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप तो बार को छोड़ के आए हो, आपका सारा सही इक्विपमेंट वहीं बात पे है। रह गया है, हाँ सारा हाँ लीकर्स हाँ हाँ टिंचर सब वहीं पे रह गए हैं। तो घर में आप हाँ क्या हाँ बना पाओगे, घर में कौन सा चीज को बना हाँ पाओगे? तो उसके लिए मेरा कॉन्सेप्ट रहता है हमेशा कॉकटेल को इजी रखना, सिंपल रखना, कि एक आम आदमी आराम से बना हाँ पाए। इवन मैं, आप अगर देखोगे, मैं ज्यादा सिरप्स भी यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि कभी कभी वो सिरप्स को ढूंढ के निकालना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। मुश्किल मुश्किल हो जाता तो मेरा एक कॉकटेल है जिसको बोलते हैं राम एंड हजमोला, जो सिंपल है। मतलब एक लंबा ग्लास, उसमें दो हजमोला डाल दीजिए है। और थोड़ा सा लेमन जूस हाँ डाल दीजिए, और उसमें आप रम डाल दीजिए, ओल्ड मोंग रम 60 ml, और बाकी अब आइस डाल के कोक से टॉप अप कर दीजिए। तो एक फैंटास्टिक ड्रिंक बन के रेडी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रम हाँ हजमोला। तो ये मेरा फेमस ड्रिंक है, बहुत चल रहा है, मतलब लाखों करोड़ों में व्यू है। तो ये मैं हाँ चाहता हूँ। हम इसको मैं वीडियो जब 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 ये इंटरव्यू पब्लिश होगा हमारा, तो मैं उसके नीचे डाल दूंगा ताकि बाकी लोग भी देख पाएंगे। बिल्कुल दादा जैसे जैसे आपने बोला कंप्लीटली आप तो अभी यूट्यूब पे आ गए हैं, यूट्यूब तो नहीं बोलेंगे, एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा, ठीक है ना, हाँ क्योंकि हम लोग कंटेंट बना रहे तो सब प्लेटफॉर्म पे जाता है, चाहे वो फिर हमारा इंस्टाग्राम हो जाए, चाहे फिर हम लोग ट्विटर हो जाए, तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप क्या सेटिस्फाई हैं मतलब कि जो आप कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप एक एज पे आ गए, ठीक है, आपने बोला 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, लगभग लगभग 12-15 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो गया, या एक शेफ लोग जो इस लेवल पे या सर्विस वाले भी आप लगा लीजिए एक लेवल पे आ जाते हैं, उस समय पैसे तो इतने मायने नहीं रखते क्योंकि ऑलरेडी लोगों के पास इस समय हो जाता है, ठीक है ना, बट उनको एक एक आप बोल सकते हैं पोजीशन अचीव करनी होती है किसी कंपनी में, नहीं समाज के सामने, ठीक है ना, एक आप बोल सकते हैं फेमस जैसे होना होता है, तो क्या सही है यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन में आना सब कुछ छोड़ के? नहीं, मैं हमेशा बोलूंगा कि आपको सब कुछ छोड़ना नहीं है। इनिशियली मैं जब कंटेंट शुरू किया था तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि आप जानते हो कि इंडस्ट्री का कितना टफ रूल है, सुबह जाओ रात को लौटो। तो मैं तब तक नहीं छोड़ा था जब तक मेरा अर्निंग्स एक सर्टेन लेवल तक नहीं आ रहा था और मेरे पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी
एस्टैब्लिश नहीं हो रहा था, तब तक मैंने यूट्यूब में को मैंने डेडिकेटेडली नहीं लिया था। देखिए, किसी को भी सडनली इसमें अगर आना है तो मैं उसको हमेशा सलाह दूंगा कि आप एज एन एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकते हो और आपका टाइम दे सकते हो। देखो, कोई भी चीज बड़ी आसानी से हासिल नहीं होता है, उसके लिए बहुत डेडिकेशन का जरूरत होता है और बहुत तकलीफ झेलने पड़ते हैं। आपको शायद सक्सेस दिखते होंगे बट उसके पीछे जो तकलीफ हम लोग झेले हैं कभी आपको एहसास भी नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ जाओगे कि मेरा कॉफी शॉप में ड्यूटी हुआ करता था 7 बजे, सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग था और मेरे घर से जो डिस्टेंस था होटल का अराउंड 23 किलोमीटर्स, तो मैं बाइक से ट्रेवल करता था, तो मुझे 1 घंटा लगता था। इसका मतलब 6 बजे मुझे उठना पड़ता था, उससे पहले उठना पड़ता था हाँ क्योंकि मुझे ड्रेसअप करना है, दाढ़ी बनाना है और ड्रेसअप। मुझे सात हाँ बजे हाँ सुबह 7 बजे पहुंचना है। तो सुबह 7 बजे पहुंचते थे, अब वहां पर क्या था, ब्रेक शिफ्ट लगा देते थे वो लोग, लौट के आ भी नहीं पाता था। तो ब्रेक शिफ्ट 1 बजे ब्रेक हो जाता था, फिर शाम को 7 बजे हम लोग ड्यूटी में आते थे और बंद करते करते रात को 11, 12, 1 बज जाता था घर लौट लौटते। तो 1 बजे आने के बाद मैं अपना सेटअप करता था यूट्यूब का और मैं कॉकटेल का वीडियो बनाता था 3-4 बजे तक, और ऊपर से एडिटिंग भी करता था बीच बीच में। तो आप सोचो कितना हैक्टिक शेड्यूल होगा। एक इंसान जो बार्टेंडर ऑलरेडी है या होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उनके लिए तो बड़ी तकलीफ का बात होगा। बट मैं इतना बता रहा हूं कि अगर आपके मन में है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं, आप लग सकते हो, आप टाइम दो, आप बिल्कुल सक्सेस हो जाओगे, गारंटी। करेक्ट है दादा, अगर टाइम आपको देना पड़ेगा, कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, लगातार काम करते रहना पड़ेगा। दादा अभी जैसे अगर आप बताना चाहो, क्या आप अर्न कर पा रहे हो 6 साल, मतलब या आप ये इस तरीके से इसको ब्रेकअप करके भी बोल सकते हो कि भाई 1 साल के बाद मैं इतना कमाने लगा हूँ, ताकि लोग थोड़े से मोटिवेट हो पाए, क्योंकि अभी जो हम कर पा रहे हैं ना, मैं कुछ लाख लोगों को कैटर कर पा रहा हूँ, आप कुछ करोड़ लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे अभी पता नहीं कितने ही और लोगों की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि भाई ये कम्युनिटी और बड़ी हो। नहीं, तो आप मैं बता पाओ आप कितना। हाँ, हाँ दादा बोलिए। अबाउट योर क्वेश्चन, देखिए मैं ऐसे तो अर्निंग किसी को बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं अपना करियर शुरू किया था यूट्यूब में, तब मेरा जो 2 साल, तकरीबन 2 साल मेरे पास चौवन्नी भी नहीं आई थी, ठीक है। मैं 2 साल तक सिंपली अपना इनपुट देता रहा, इनपुट देता रहा, बट कभी भी निराश नहीं होते क्योंकि मेरा ना इनिशियली मेरा जो तमन्ना था वो था कि मैं जो कंटेंट जानता हूँ उसको डिलीवर करना और सबको हेल्प करना। तब मैं सोचा भी नहीं था कि मेरा एक दिन ऐसा भी आएगा कि यूट्यूब से मैं इतना कमा लूंगा कि मैं सब काम छोड़ सकता हूँ, मैं कभी ऐसा सोचा नहीं था। मैं सोचा था कि मैं जो जानता हूँ मैं उसको डिलीवर करूंगा, ये सपना लेकर मैं आया था और स्लोली वो पॉपुलर भी हो रहा था। बट 2 साल के बाद मैं देखा कि 7,000 8,000 करके आ रहा है, तो वो मेरे कुछ काम का नहीं था क्योंकि तब मेरा इतना खर्चा होता था, एक एक बॉटल खरीद के लाना उसका ही 7,000 8,000 लग जाते थे। तो भी मैं करता रहा करता रहा करता रहा, बट आज अगर आप, मैं बताऊं तो मैं यूट्यूब से अच्छा खासा कमा लेता हूँ, और सिर्फ यूट्यूब नहीं, मैं बोलूंगा कि स्पॉन्सरशिप से मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ। साथ साथ मैं और 3 प्लेटफॉर्म में एसोसिएट हूँ, मेरा ऑनलाइन कोर्सेस है, मैं एक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं एक कंपनी का बिल्डर ट्रेनर हूँ और मैं बहुत सारे ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर सबको मिला के अगर एक बेसिक्स आइडिया बताया जाए तो हो जाता है, मतलब फैमिली चलने लायक अच्छा खासा आप जमा पूंजी बना लोगे। बोलना नहीं चाहिए धीरज, प्लीज खराब मत सोचना, नहीं, बट आप अच्छे खासे कमाने लगोगे। बहुत सिंपल है, हाँ एक एक वीडियो के लिए हाँ आप 1-1 लाख चार्ज कर सकते हो अगर आप एक सर्टेन जगह तक आ जाते हो। लेवल तक पहुंच। हाँ, हाँ एक हाँ लेवल तक आ जाते हो तो 1-1 लाख ठीक दे देते। दादा। हाँ, नहीं दादा मैं समझ सकता हूँ, इट्स नॉट ऑल्सो गुड, बट ये सिर्फ ये इसलिए ताकि लोग मोटिवेट हो पाए। हाँ दादा बहुत बहुत थैंक यू, आपने बिल्कुल दिल खोल के हमारे साथ यहाँ पे बातें करी, आपने बहुत अच्छा नॉलेज हमें दिया, जिसके लिए मैं भी आभारी रहूंगा, मेरे जो व्यूअर्स है वो भी आभारी रहेंगे, और थैंक यू थैंक फ्यूचर यू, में अगर मैं कोलकाता आया मैं आपसे जरूर मिलूंगा। बाकी बिल्कुल आपके बिल्कुल, लिए बेस्ट ऑफ लक है, फ्यूचर में आप जो भी नए कुछ भी आप करें, चाहे कंटेंट क्रिएशन से हो, चाहे कोई भी नए स्टार्टअप हो, उनके लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है दादा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू धीरज, बाय बाय।